नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए मेघालय के अंदर जो गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यानी GHADC का इलेक्शन हुआ था 12 अप्रैल को, उसका रिजल्ट अब आ चुका है। GHADC में टोटल जो है कि सीटें 29 सीटें हैं, और इन 29 सीटों में कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। क्या किसी को यहाँ पर बहुमत मिला या नहीं मिला, ये भी बताएंगे। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले GHADC के चुनाव के आए हुए नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। GHADC का चुनाव जो है कि सेमीफाइनल माना जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव का। और देखिए इस चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो थंबनेल में अभी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। NPP, BJP और कुछ छोटी पार्टियों ने मिलकर अपनी सरकार बना ली और कांग्रेस को सत्ता से रोक दिया। GHADC के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी बनी है। कांग्रेस के खाते में टोटल 12 सीटें आई हैं, 29 में से कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लें दूसरे नंबर की पार्टी की, तो दूसरे नंबर की पार्टी NPP बनी है, जो सत्ताधारी पार्टी है मेघालय में। वर्तमान में NPP के खाते में 11 सीटें आई हैं, यानी 29 में से 11 सीटें NPP ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी BJP की बात करें तो BJP के खाते में 2 सीटें गई हैं, BJP के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं GNC की बात करें तो GNC के खाते में 1 सीट गई है, और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल किया है। GHADC के इस इलेक्शन में NPP और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही, हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी वहां पे पूर्ण बहुमत से काउंसिल में अपनी सत्ता बना पाती है।